नमस्कार, मैं हूं रियम सोनी और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की ताज़तरीन खबरों के साथ। भवानी मंडी में आज बांडिया भाग में हनुमान मंदिर परिसर में ओपीएस संयुक्त मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। संयुक्त मोर्चा प्रभारी जितेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में किया गया तथा किशोर कुमार राठौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा यूपीएस स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी, परंतु राज्य में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ओपीएस लागू की जा चुकी है। मीटिंग में यही निर्णय लिया गया कि ओपीएस से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाए, उसे यथावत रखी जाए। इस संबंध में 26 सितंबर 2024 को झालावाड़ में एक पैदल महारैली का आयोजन खेल संकुल से मिनी सचिवालय तक किया जाएगा तथा रैली का समापन जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन देकर किया जाएगा। उसमें सभी विभागों के कर्मचारी भाग लेंगे। आज मीटिंग में शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग, चिकित्सा विभाग, मंत्रालय कर्मचारी आदि विभागों से कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक में किशोर राठौड़, महेश चौधरी, ज्ञानचंद पाटीदार, रामबाबू नागर, रितेश चौधरी, दिनेश गुप्ता, नारायण सिंह, प्रहलाद वर्मा, विनोद शर्मा, जाहिद अली, दिलीप सिंह सोलंकी, नारायण सिंह, गुलजार मंसूरी, अविनाश गुज्जर, अंकुश तपन शर्मा, राजेश शर्मा, प्रेमचंद, विनोद पाटीदार, ओम प्रकाश, ओम शर्मा, गोविंद टेलर, ललित प्रजापति, प्रतीप त्रिपाठी, प्रीति सक्सेना, वल्लरी दीक्षित, मोनिका सोनी, अंजना जैन, पद्मिनी चतुर्वेदी, रेखा चौहान, ज्योति अग्रवाल, अंजू मीना, पवित्र पाटीदार, हरविंदर सिंह, ब्रजराज शर्मा, दिनेश पांडे, सत्यनारायण शर्मा आदि सैकड़ों संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। भारत सरकार के निर्देशानुसार आज पालिका द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 अंतर्गत एक दिन एक पेड़ स्वच्छता के नाम कार्यक्रम का आयोजन कर पेड़ लगाए गए। अधिशासी अधिकारी मनीष मीणा ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया है, जिसके अंतर्गत आज सेठ आनंदलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एनसीसी एनएसएस के विद्यार्थियों के साथ स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम के तहत विद्यालय में श्रमदान किया गया तथा वृक्षारोपण किया गया। विद्यार्थियों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जानकारी दी, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सुरेश मालवीय, एनएसएस प्रभारी दुलाराम शर्मा, विद्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा। जानलेवा हमला करने वाला आरोपी सोनू सिगलीगर गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी ने पीड़िता पर जान से मारने की नियत से फावड़े से किया था हमला। भवानी मंडी पुलिस ने की कार्रवाई। आपको बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देशन में पुलिस थाना भवानी मंडी ने पीड़िता ममता बाई पर जान से मारने की नियत से फावड़े से वार करके घायल करने वाला आरोपी सोनू लोहार पुत्र अर्जुन लोहार जाति सिगलीगर उम्र 28 साल निवासी कृष्णा कॉलोनी भवानी मंडी थाना भवानी मंडी जिला झालावाड़ को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है। झालावाड़ जिले के गंधार में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, क्योंकि यहाँ कई महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं। आम आदमी पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष अंशुल पटेल ने राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर रिक्त पदों पर त्वरित नियुक्ति करने का आग्रह किया। विद्यालय में कुल 47 पदों में से केवल 17 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। कई विषयों पर व्याख्याता, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट और चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त हैं। इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में परेशानी हो रही है। अंशुल पटेल ने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द रिक्त पदों पर नियुक्ति करें ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई में कोई असुविधा ना हो। रायपुर कस्बे में आज राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। इस अवसर पर ग्राम पंचायत परिसर में पोषण मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें रायपुर व कालीतलाई सेक्टर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आकर्षक रंगोलियों बनाई। यहाँ पर मोटे अनाज के व्यंजनों व पोषाहार की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर सरपंच विष्णु राठौड़, महिला पर्यवेक्षक ज्योति राठौड़, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नरेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। झालावाड़ जिले की विधानसभा क्षेत्र के मनोर थाना के प्रसिद्ध श्रीकाम खेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट का दान पत्र खोला गया। इससे काउंटिंग की गई, जिसमें कुल राशि 50,21,100 रुपये मात्र दान पात्र से राशि प्राप्त हुई, जिसको SBI बैंक शाखा सरड़ी बैंक मैनेजर को जमा करा दिए गए। शेष राशि वापस दान पात्रों में डाली गई। कामखेड़ा सार्वजनिक ट्रस्ट अध्यक्ष कैलाश मीणा एवं ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे। कामखेड़ा से थाना अधिकारी सुनील वर्मा व पुलिस स्टाफ, कामखेड़ा बैंक स्टाफ, SBI सरड़ी ट्रस्ट के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। झालावाड़ में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत गुरुवार को नगर पालिका झालरापाटन द्वारा चौपाटी पर लगे फास्ट फूड के ठेलों वालों को स्वच्छता रखने हेतु पाबंद किया गया एवं डस्टबिन का वितरण किया गया।
इस दौरान उपस्थित सभी ठेले वालों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। सुनहल में भारतीय किसान संघ के बैनर तले क्षेत्र के किसानों ने नारेबाजी कर किसानों की प्रमुख मांग फसलों के दाम बढ़ाने तथा 31 मार्च 2024 के बाद हुई किसानों की दुर्घटना बीमा तथा जीवन सहकार बीमा की राशि 10 लाख रुपए करने की तथा मृतक किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के नाम तहसील अध्यक्ष श्याम सिंह सोनगरा की अध्यक्षता में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि किसानों के फसलों के उचित दाम किसानों को नहीं मिल पा रहा है। सोयाबीन और अन्य जिंसों के भाव न्यूनतम स्तर पर हैं, जिसे बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाया जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग श्वासरा में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर द्वारा अधिकृत जिला नोडल अधिकारी नारायण चंद्रावत, जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया और खाद्य विभाग द्वारा दिया जा रहा राशन के बारे में महिलाओं को बताया गया। परियोजना अधिकारी रमेश चंद्र आर्य द्वारा उपस्थित सभी गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करने वाली माता, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण को समग्र रूप से बेहतर बनाने पोषण प्रदर्शनी के माध्यम से गर्भवती धात्री माता को पौष्टिक व्यंजन, मौसमी फल, सलाद, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, दालें का सेवन करने की सलाह दी गई। गरोट ग्राम कोटड़ा बुजुर्ग में जब अचानक 2 शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया तो बच्चों को जब यह बात पता चली तो नाराज हुए बच्चों ने स्कूल में जाकर धरना प्रदर्शन व नारेबाजी की। दोनों शिक्षकों का ट्रांसफर रुकवाने की मांग की है। सभी बच्चों ने नारे लगाते हुए पूरे गांव में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। वहीं साथ में ग्रामीण व पालक ने भी बच्चों का समर्थन किया। यहां पर 14 शिक्षकों का पद स्वीकृत है, जिसमें वर्तमान में 5 शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें से 2 शिक्षकों का ट्रांसफर अन्य स्थान पर किया गया। शिक्षकों की कमी को लेकर स्कूल पहले से जूझ रहा है। यह मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस वर्ष शाला की चयन CM राइज के रूप में हुआ है। सभी स्कूली बच्चों ने बताया कि वैसे यहाँ शिक्षकों की कमी, फिर दूसरी बात यह यहाँ से 2 शिक्षक और चले गए, ऐसे हमारा भविष्य तो अंधेरे में है। प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारा यहाँ दूसरे शिक्षकों की भर्ती की जाए, नहीं तो हम स्कूल के ताला लगा देंगे। मंदसौर शहर की जीवनदायिनी शिवना नदी में पानी की आवक बढ़ने से कालाभाटा डैम का एक गेट का कुछ हिस्सा खोला गया, जिसमें रामघाट बांध से पानी 5 फीट के बाद ओवरफ्लो होकर बहने लगा, जिससे पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना नदी में पानी बढ़ गया, जिसके चलते छोटी पुलिया से आवागमन बंद कर दिया। वह पुलिया से आवागमन रोकने के लिए मार्ग पर नगर पालिका के 2 कर्मचारियों को तैनात किया गया। इसके साथ ही 2 पटवारी को भी तैनात किया गया था, किंतु हड़ताल के चलते पटवारी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे, तो वहीं नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा ही पुलिस पुलिया पर आने जाने वाले राहगीरों को रोकने का कार्य किया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें खबर 24 न्यूज। नमस्कार।
अपराध का एकमात्र स्थान बंदूक चोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंदूक के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंदू मिस्टर भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंदू आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, बहानी मंडी।